press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे एक तरफ पाकिस्तानी मंत्री ये कह रहे हैं कि नया भारत पाकिस्तान के लिए खतरनाक है और दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज की सदी का नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हिंदुस्तानी शेरनी नाजी अली खान जी का। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। फिर पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा लफ्ज चुना ना आपके प्रधानमंत्री के लिए। डेफिनेटली हम हमेशा अच्छे अल्फाज चुनते हैं। आप कहते हो कि घर में घुस के मारेंगे, हमने कभी कहा है ऐसा कुछ? हम तो आपके प्राइम देखिए शैला, अब आप मुझे मतलब मेरा टेम्परमेंट हाई करने वाली बात कर रही हूँ। मैं सोची थी कि आज हंसी खुशी आपके साथ सेशन करूंगी, पर आप टेम्परमेंट हाई करने की हम तो अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, हम तो अब पीस प्रमोट कर रहे हैं। तो आप कहते हो घर में घुस के मारेंगे, अब फर्क तो आता है ना। देखिए हम आपके प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए रेडी हैं। वैसे ये हाफिज सईद ने अजमल कसब को क्यों भेजा था शैला? वो वैसे 2023 में नवाज शरीफ जो है वो यासीन मलिक की बेटी से मोदी जी को डिफेम और मलाइन क्यों करवा रहा था? जो यासीन मलिक भारत के जेल में जो आरोपी है, जिहादी है, आतंकी है, जिसने कश्मीर में जेनोसाइड और नरसंहार किया था बेनजीर पाकिस्तान में, तो यासीन मलिक लीडर के तौर पे माने जाते हैं ना, तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी का फर्क आ जाए, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते। क्लियर करने दीजिए, देखिए हमारे यहाँ, मैं फिर से कहूंगी कि हमारे यहाँ भारत में मुसलमान में जो सही और सच्चा मुसलमान है, जो वाकई में सुन्नत रसूल पर चलता है और वाकई में वो ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रखता है, इंसानियत को पहले प्रथम रखता है, हमारे यहाँ मुसलमान में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होते हैं, आपके यहाँ हाफिज सईद पैदा होते हैं, हमारे यहाँ मुसलमान में तारिक फतेह साहब पैदा होते हैं, आपके यहाँ दाऊद इब्राहिम पैदा होता है, हमारे यहाँ मुसलमान में अगर एक्टर के रूप में लिया जाए तो शाहरुख खान और सलमान खान पैदा होते हैं, और आपके यहाँ ऐसे ऐसे आतंकी एक्टर पैदा होते हैं जो हाथ में बंदूक लेकर के फोटो खिंचवाते हैं, आप हमारे यहाँ क्रिकेटर मोहम्मद शमी पैदा होता है, आपके यहाँ ऐसा ऐसा होता है जो ग्राउंड पर ही गाजा और फलस्तीन को समर्थन देता है। तो फर्क तो है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ जो मुसलमान सच्चे और पक्के मुसलमान है, जो वाकई में अल कुरान पर चलते हैं, जो वाकई में सुन्नत रसूल पर चलते हैं, वो लकुम दीनकुम वलिय दीन पर चलते हैं। हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं और दूसरों को दूसरे की धर्म की इज्जत करने देते हैं। हमारे यहाँ आजादी के वक्त में 1947 में 7 करोड़ मुसलमान थे, आज 20 करोड़ मुसलमान है, सेकेंड मेजोरिटी हो गई है मुसलमानों की। आपके यहाँ 23.3% माइनॉरिटीज थे, आपके यहाँ 1% माइनॉरिटीज बची है। उसमें बांग्लादेश भी तो आया ना, मशरकी पाकिस्तान जब पाकिस्तान से अलग हुआ, बांग्लादेश हुआ, तो उसमें भी तो हिंदुओं का और मंदिरों का बंटवारा हुआ, तो वो भी परसेंटेज इस एतबार से भी डिक्रीज हुई। उसके बाद फिर भारत में भी बहुत से हिंदू गए, अभी भी दिल्ली में मौजूद है। मैं 1947 में 23.3% माइनॉरिटीज पाकिस्तान में थे, ठीक है, बिल्कुल हाँ, टू पार्ट से था पाकिस्तान। और 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो क्या 1% रह गए थे पाकिस्तान में और 22% चले गए थे बांग्लादेश? पाकिस्तान की हिस्ट्री कहती है कि 5-6% जो हिंदू थे। आपकी जुबान पर और आपके कहने पर मान लिया कि 5-6% चले गए बांग्लादेश, तो बाकी के 20-19% कहाँ है? कहाँ है 19%? दीजिए मुझे वो 19% को वापस। मैंने तो कल एक नेशनल न्यूज पर कहा कि किसी भी अंग्रेजों को हमारे ऊपर उंगली उठाने की ताकत नहीं है, उंगली तोड़ देंगे, साथ में हाथ भी तोड़ देंगे। हमारे भारत का लूटा हुआ खजाना पहले अंग्रेज वापस करे। मैंने तो कल ये भी कह दिया कि अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे, हमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे वीर भगत सिंह जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था,
हमारे सावरकर जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था, और भागा तो भागा, साथ साथ में भारत के सारे खजाने को लूट कर भागा। तो अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे, हम अंग्रेज को आंख दिखाएंगे और उन्हें हमारी आंख देखनी पड़ेगी। और अगर हमारी आंख नहीं देखनी है, हमारा अहंकार नहीं देखना है, तो भारत से लूटा हुआ सारा खजाना पहले रिटर्न करो अंग्रेजों, तब तुम हमारे हमारे ऊपर मुंह पे चढ़ के कुछ बोल सकते हो। और आज देखिए, जो बिडेन हो या ब्रिटिश का ऋषि सोनक हो या कोई भी हो, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको उनकी सही औकात याद दिलाई है, आज झुक कर सलाम करते हैं सब। तो उसी तरीके से देखिए, मैं इस बात के लिए मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा है कि मोदी जी की तुलना जो है, कंपैरिजन जो है, वो नेल्सन मंडेला से की गई है। पर मेरे हिसाब से मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक अवतार के तौर पर मानती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से 53 साल में कांग्रेसियों ने भारत का बेड़ा गर्क किया था, भारत के सिविलाइजेशन और सभ्यता को खत्म किया था, भारत के संस्कार को खत्म किया था, भारत के संविधान के साथ खेल खेल किया था, छल कपट किया था इंदिरा गांधी ने, तो उन सारी चीजों को बेहतर किया है पिछले 10 साल में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मुझे आपत्ति नहीं है कि पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम मीडिया नेल्सन मंडेला से मोदी जी को मिला रही है, मुझे इस बात की आपत्ति नहीं है, पर ये स्टोरी मतलब बेवजह की स्टोरी पकाने की जरूरत क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज देखते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, जब जो है नवाज शरीफ की पोती की जो थी नवासी की शोरी शादी थी, तो बिना बताए आ गए थे, शायद उनका नवाज शरीफ के साथ कोई फैमिली टर्म थी, ये बहुत अच्छी दोस्ती भी हो सकती है। तो इस दफा भी उनकी गवर्नमेंट है, तो हो सकता है कि वो इसी तरह बिना बताए अपना जहाज पाकिस्तान पे लैंड करवा दे। देखिए, वो आपकी बात है ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो हो सकता है कि ये चीजें, देखिए हमने तो बड़ी कोशिश की है। और देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी नो डाउट सबको पता है कि इस टाइम बिल्कुल कहते हैं ना कि बर्बाद होने के किनारे पे आई है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी पड़ोसियों के साथ ट्रेड बेहतर हो जाए, अफगानिस्तान के साथ हो जाए, और इंडिया इसमें अहम एलिमेंट है। हमारी जो ताजिर कम्युनिटी है वो इंडिया से बात करना चाहती है, लेकिन जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट इस वजह से नहीं कर रहा कि शायद इनके पास 2 पैसे आ जाएंगे, शायद इनके हाथ से वो भीख का कटोरा जो है सो कॉल्ड छूट जाएगा, लेकिन नेल्सन मंडेला तो मिलाने का काम कर रहे हैं, तो क्या पता आपके PM मिलाने का काम कर दें, क्योंकि हमारी कोशिशें कहीं ना कहीं पे तो फेल होती दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपके पूरे सवाल का जवाब बहुत खूबसूरत तरीके से देना चाहूंगी। हाँ, आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, वाकई में मोदी की गारंटी बहुत बड़ी गारंटी होती है, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के जुबान से अगर कोई शब्द निकल जाता है तो वो पूरा होता है, और देश की जनता भी जानती है कि अगर मोदी जी के मुंह से निकला है तो वो पूरा होना ठीक हो गया। 370 उन्होंने कहा था, पूरा हुआ। उन्होंने 3 तलाक बैन करने को कहा था, पूरा हुआ। उन्होंने OCC के लिए कहा था, पूरा हुआ। उन्होंने 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कराने को कहा था, पूरा हुआ। इकोनॉमी को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाने को कहा था, पूरा हुआ। जिन योजनाओं का नाम उन्होंने लिया था, आज वो योजनाएं घर घर तक पहुंच चुकी हैं। अब रही बात कि मैंने आपको पहले भी कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जहाज क्या पता कि POK ही उतरेगा। वो तो एक बहुत बड़ा चेंज है ना। देखिए, पाकिस्तान ने तो 70 सालों से कह रहे हैं कि मुझे जम्मू कश्मीर चाहिए, क्या ले पाया? आपने अपना सवाल किया ना, आप जवाब सुनने की हिम्मत रखिए, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। आपका सवाल कंप्लीट हो गया, अब मुझे पूरा जवाब कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, मैं भी कह रही हूँ, योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जी भी कह रहे हैं, POK हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो ये जो आप लोगों, आपके मिनिस्ट्री मीडिया को या आपके पाकिस्तान की सरकार को ये अनुमान मिल रहा है कि मोदी जी क्या पता पाकिस्तान आ जाए, मैं आपको कह रही हूं ना कि मोदी जी का जहाज क्या पता POK लैंड कर जाए, क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सितंबर में इलेक्शन है, उस इलेक्शन को करने के बाद तो हमें POK में इलेक्शन करवाना ही है। हर हाल POK में कोई एयरपोर्ट नहीं है। अरे फाइटर जेट और चॉपर तो कहीं भी लैंड कर सकता है, क्या बात कर रहे हैं? आपके POK के लोग ही उसका पूरा इंतजाम करके देंगे। आपके जहाज की लैंडिंग आई और हम जगह नहीं छोड़ी। वो लोग POK के लोग ही कहेंगे मोदी जी आइए आइए, और हमें भी आधार कार्ड दे के जाइए,
ये आपके पीओके के लोग ही कहेंगे। अब आपने कहा कि आपकी सरकार चाहती है कि फॉरेन पॉलिसीज या बाकी चीजें हमारे साथ वो दुरुस्त करे, आप अफगान के साथ भी चाहते हैं करना, आप भारत के साथ भी चाहते हैं करना, आप दोबारा फिर से अरब के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हैं। अब मुझे इसमें बिना टोके मुझे अपनी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा, ठीक है। देखिए मुसलमानों की हरकत है कि पहले वो गरियाते हैं, पहले वो बेइज्जत करते हैं, और उसके बाद फिर सामने वाले से अपनी जरूरत के मुताबिक उनको इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर लेते हैं। ये मुसलमानों का के रगों में चल रहा है, ये उनके ब्लड में चलता है। अभी हालिया में 2023 में जो पाकिस्तान में रह रहे अफगानी थे उनको आप लोगों ने जो बेइज्जत करके बेघर किया है, उसके बाद आपको लगता है कि अफगानिस्तान की सरकार आपके साथ किसी भी तरीके का कोई रिश्ता रखना चाहेगी, जब आपसे बात भी करना चाहेगा? आपने अफगानियों की बहू बेटियों को बेदर्दी से जुल्म सितम ढा करके उनका उनका बना बनाया घर घर को तोड़ फोड़ करके कब्जा करके उनको लात मार के निकाला है कुत्तों की तरह पाकिस्तान से, और जमाने से रहे हुए अफगानियों को आपने सिटीजन भी नहीं दिया था, जमाने से रह रहे भारत से गए हुए लोगों को आज तक आप लोग मुहाजिर बोलते हैं। इसके बाद आप कैसे सोच भी पा रही है कि अरब आपसे बात करेगा, यूएई बैठ करके आपसे बात करेगा? आप अभी तक हिजाब में फंसी हैं, आपके आपका पाकिस्तान अभी तक लुंगी में फंसा है, आपका पाकिस्तान अभी तक मदरसे में फंसा है, और वहां सऊदी अरबिया में स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो हो रहा है। आप तो बाहर ही नहीं निकल रहे, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान लुंगी और हिजाब से तो बाहर ही नहीं निकलना चाहते। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे भारत की बेटी नाजिया लाई खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तानी पत्रकार को जबरदस्त जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान की भी खूब बेइज्जती की, और आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में ये कहा कि वो खुद एक अवतार है, और आपने देखा जब शैला खान ने ये कहा कि खुद मोदी जी पाकिस्तान आए थे, तो मैं शैला को ये जवाब देना चाहूंगा कि मोदी जी खुद पाकिस्तान नहीं आए थे, मोदी जी को नवाज शरीफ ने फोन पे इन्वाइट किया था तभी वो पाकिस्तान गए थे। और हम देख रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान इतना डेस्परेट है कि भारत के साथ बातचीत करने के लिए, भारत के साथ ट्रेड करने के लिए, कि कहीं भारत के साथ बात शुरू हो जाए, इसलिए वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं कि किसी तरह भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाएं, अगर ट्रेड के लिए बॉर्डर्स खोलते हैं तो बेचारा पाकिस्तान भी दो पैसे कमा लेगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।